अपनी तमाम सारी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन क्रांति से जुड़े किसानों ने सरकारी आश्वासन मिलते ही अपना धरना खत्म कर दिया है। इन किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही इनकी सभी मांगों को सरकार और प्रशासन पूरा करेगा। भगवानपुर टोल प्लाजा पर किसानों की मांगों को लेकर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन क्रांति के पदाधिकारियों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। भगवानपुर उपजिलाधिकारी कार्यालय में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ किसान नेताओं की वार्ता हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने किसानों की मांगों को लेकर कहा कि गन्ने का बकाया भुगतान हो, यूपी की तर्ज पर किसानों की बिजली मुफ्त हो, साथ ही हरिद्वार जनपद आपदाग्रस्त घोषित किया जाए। तो पूरी तरह से कुछ मांगे उसमें मान ली गई है और कुछ मांगों पर हमें संतोषजनक आश्वासन दिया गया है जिन पर जल्दी ही कार्रवाई होगी। जैसे ये यहाँ पर जो ये रुहाड़ की चौराहे पर जो उगाई करी जा रही थी वो जल्दी ही बंद होगी और जो पुलिस प्रशासन भी जल्दी उस पर भी अंकुश लगेगा। समाप्त हो गया तो ये तो चलता ही रहे, अगर कोई कार्रवाई उत्पीड़न होगा फिर से आश्वासन ये दिया गया कि आगे से इस पर हम गरीब और अमीर ये आर्थिक स्थिति जरूर देखेंगे चलान करने से पहले, पर कानून है, कानून का तो पालन करना पड़ेगा। उप जिला अधिकारी जितेंद्र कुमार ने इस पर सकारात्मक जवाब देते हुए बताया कि सभी मुद्दों पर रिपोर्ट बनाकर शासन को भेजने का काम किया जाएगा। शासन से जैसे ही मामले में कोई प्रतिक्रिया मिलेगी उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। वहीं शुगर मिल के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर हुई चर्चा में गन्ना आयुक्त शैलेंद्र कुमार ने बताया कि जल्द से जल्द किसानों का बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। सबसे पहले जो इनकी मांग थी वो थी यहाँ पे दो बच्चे की डेथ हो गई थी टोल प्लाजा पे, चीनी मिल के महाप्रबंधक भी आए हुए थे, उनको बताया गया है उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं और उसकी कार्रवाई भी जरूर है, जल्द से जल्द इनका भुगतान कर दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।